हेलो क्लास सेवन स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने सी होराइज़न का थोड़ा सा हिस्सा किया था और आर होराइज़न के लिए हम रुक गए थे। सी होराइज़न में हम ट्रांसपोर्टेड सॉइल तक की बात की थी, लेकिन सबस्ट्रेटम रह गया था। सबस्ट्रेटम लैक्स ह्यूमन ऑल टुगेदर, सबस्ट्रेटम में ह्यूमस होता ही नहीं है, ठीक है। एंड इट इज़ इनफर्टाइल, बिल्कुल फर्टाइल नहीं है, यहाँ पर कोई प्लांटेशन का चक्कर नहीं है। रेन वाटर सिपिंग थ्रू दी टॉप सॉइल कलेक्ट इन दिस लेयर एज इट कैनॉट पास थ्रू दी लेयर ऑफ हार्ड रॉक अंडरनीथ। तो यहाँ पर क्या होता है कि सबस्ट्रेटम के उसमें नीचे रेन वाटर जो है सिप करके जो ऊपर से आता है टॉप सॉइल से, वो यहाँ पर जम जाता है, रह जाता है, बिकॉज ये अब फर्दर पास आउट करके नीचे हार्ड रॉक के नीचे जा नहीं सकता। द रिजर्वॉयर ऑफ रेन वाटर इन दिस लेयर इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर, और इसके अंदर जो रिजर्व पानी का बन जाता है इसी को कहते हैं ग्राउंड वाटर। व्हेन देयर इज सफिशियंट रेन ग्राउंड वाटर राइजेज टू दी सब सॉइल, और अगर अच्छी खासी बारिश हो जाती है तो ये ग्राउंड वाटर एकदम से इसका लेवल जो है उठ करके है ना ऊपर सब सॉइल पर चला जाता है। उसके बाद है हमारा आर होराइज़न, सबस्ट्रेटम के ठीक नीचे का जो लेयर है हार्ड रॉक का, जिसको बेडरॉक भी कहते हैं, वही आर होराइज़न है। वाटर कैन नॉट पेनिट्रेट द बेडरॉक सो इट एक्युमुलेट्स अबव इट, पानी जो है इसको पेनिट्रेट कर नहीं सकता क्योंकि वहाँ हार्ड रॉक है, और हार्ड रॉक को जब ये पेनिट्रेट नहीं कर सकता तो इसलिए यहीं पर पानी एक्युमुलेट होके रह जाता है। अब देखिए टाइप्स ऑफ सॉइल है मेनली इसमें नॉर्मल, मैं इंडिया की बात बाद में करूंगा, मैंने पहले ही बताया हुआ है, इंडिया की बात बाद में होगी। पहले सीधे सीधे नॉर्मल अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉइल्स आर देयर, सॉइल इज़ क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ द पार्टिकल्स इट कंटेन्स, तो पार्टिकल के साइज़ के ऊपर जो है कई तरह से इसको बांटा गया है कितने टाइप्स में। बट यहाँ पर हम लोग तीन तरह के उसको पढ़ेंगे। सबसे जो स्मॉलेस्ट सॉइल पार्टिकल्स होते हैं उनको बोलते हैं क्ले, तो ऐसे सॉइल जिनके पार्टिकल जो है सबसे स्मॉल साइज़ के होंगे उनको कहेंगे हम क्लेई सॉइल। तो ये हो गया पहला टाइप। स्लाइटली बिगर पार्टिकल्स आर कॉल्ड सिल्ट, इससे थोड़े से जो बड़े होते पार्टिकल उनको सिल्ट कहते हैं, और जो लार्ज कोर्स पार्टिकल होते हैं उनको सैंड कहते हैं। सॉइल कंसिस्टिंग मोस्टली सैंड एज इन डिजर्ट्स आर कॉल्ड सैंडी सॉइल, ठीक है। वाइल सॉइल मेडअप ऑफ मोस्टली क्ले इज कॉल्ड क्लेई सॉइल, जिनके साइज सबसे छोटे होते हैं। अब एक बीच का आता है लोमी सॉइल कंसिस्टिंग ऑफ सैंड सिल्ट क्ले पार्टिकल, ये मिक्सचर होता है सैंड का भी सिल्ट का भी और क्ले का भी। इट इज़ कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, तो प्लांट्स के ग्रोथ के लिए ये सबसे अच्छा और सूटेबल माना जाता है क्योंकि इसके अंदर ह्यूमस होता है। दिस काइंड ऑफ सॉइल इज़ ऑल्सो यूजुअली रिच इन ह्यूमस विच प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट, तो ये वाला जो क्ले लोमी सॉइल है इसके अंदर ह्यूमस होता है और सबका मिक्सचर होता है, सैंड के जो पार्टिकल्स हैं बड़े भी हैं छोटे भी हैं मीडियम साइज़ के भी हैं, तो ये जो है प्लांटेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि इसके अंदर ह्यूमस काफ़ी मात्रा में होता है। और कई बार ऐसा होता है कि जिस जगह आप प्लांटेशन करना चाहते हैं अगर वहाँ की मिट्टी जो है वो क्लेई है तो फिर उसका नहीं हो पाता है काम, फिर वहाँ पर हमको लोमी सॉइल का मिक्सचर लगाना पड़ता है ताकि प्लांटेशन हम अच्छे से कर सकें। नाउ क्ले कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप, क्ले के भी अपने वो है, जो मिट्टी के बर्तन वगैरह बनते हैं वो क्लेई सॉइल के बनते हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छी से सूखने के बाद वो पकड़ लेता है। आप इस पूरे एग्जांपल को जब आप देखेंगे बुक में पेज नंबर 134 पर भारती भवन की बेसिक साइंस, तो उसमें आप देखेंगे कि कैसे जो पॉटर होते हैं ना मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उनका पूरा एग्जांपल दिया हुआ है कि वो कैसे, और फिगर भी दिया हुआ है कि वो कैसे इस चीज़ को देखे यहाँ कैसे वो बनाते हैं चक्री पे
बर्तन को, और फिर उसको सुखा करके बढ़िया सा जार और भी बहुत तरह के बर्तन बन जाते हैं इससे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। कल हम लोग देखेंगे सॉइल एंड क्रॉप्स को, किस सॉइल में कौन से क्रॉप सूटेबल होते हैं। फिर तब हम लोग देखेंगे लास्ट पॉइंट जो कि टाइप्स ऑफ सॉइल इन इंडिया। ठीक है, तो ये दो टॉपिक अभी रहता है। मेरे हिसाब से इस थर्सडे फ्राइडे तक में ये हो जाएगा, तो इस सप्ताह हमारा ये चैप्टर नंबर 14 भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।